तो आज की एक नई वीडियो हम अपडेट कर रहे हैं। आज वैसे है 22 मार्च 2024, 22 मार्च 2024, और वीडियो का आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है, मैं मुंबई मिंट के कुछ कॉइन्स आपको दिखाऊंगा जो रेयर से एक्सट्रीमली रेयर श्रेणी के कॉइन्स है, ठीक है। और हम बुक प्रिफर करेंगे दिलीप राजगौर साहब की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 2022 में इन्होंने रिपब्लिक कॉइन्स ऑफ इंडिया की जो बुक्स एक निकाली थी उसमें तो सारे मिंट्स, चारों मिंट्स को उन्होंने कवर किया था, लेकिन उसके बाद 2023 में इन्होंने अलग अलग मिंट की अलग अलग बुक निकाली है, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा, सॉरी हैदराबाद, कलकत्ता अभी तक आई नहीं है इनकी, कलकत्ता भी शायद आने वाली है। ये बुक्स मैंने इनकी ख़रीदी थी पुणे में जो एग्ज़िबिशन हुआ था, आज से मेरे ख्याल से 6-7 4-5 महीने से ज़्यादा ही हो रहा है, तो वहाँ पे मैं इनके स्टॉल से ही ये बुक्स मैंने ख़रीदी थी। अक्सर मैं न्यू लॉन्चिंग होती है कोई भी बुक्स की और मुझे लगता है कि उसमें इंफॉर्मेशन है जो जाननी ज़रूरी है, वो मैं बाय कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए नॉलेज पे ही ये इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास ज्ञान है, सही नॉलेज है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि कौन से सिक्के दुर्लभ हैं, कौन से नहीं है। बुक से एक बड़ा आइडिया हमें मिल जाता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी मेहनत है बुक में, मेरी खुद की भी बुक है दिलीप राजगौर साहब की, बहुत पुरानी, पहले से उनका काम होते आ रहा है, वो खुद इस न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी हाई नॉलेज रखते हैं, जैसे PhD भी उन्होंने किया है इसमें, तो इनकी भी बुक्स में काफ़ी नॉलेज होती है जो मैं खुद भी लेता हूँ, और जो लोग आते हैं मेरे पास कभी कुछ होता है इंफॉर्मेशन जानना समझना तो बुक्स में से हम देख के बताते हैं, ठीक है। तो आज के हमारा टॉपिक जो है, ये समझ लीजिए न्यू जो मेरी सीरीज़ चल रही थी जिसमें मैं आप लोगों को कॉइन्स की वैल्यूएशन भी बता रहा था और कुछ कॉइन सेलिंग पर्पस के होते हैं तो वो भी बताता हूँ, इस टाइप की जो हमारी सीरीज़ है जिसका आज 7th एपिसोड है समझ लीजिए, ठीक है। तो हम आज के एपिसोड में कवर करेंगे मुंबई मिंट को, और साथ में मैं कुछ सेलिंग पर्पस के लॉट और पाउच भी आप लोगों को दिखाऊँगा एंड में, तो काम के है वो भी, जिसको भी बाय करना होगा वो भी देख लेना। तो फ़िलहाल मैं मुंबई मिंट से ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारी रेयर कॉइन्स की वो पहले जान लेते हैं, कौन से रेयर ऐसे कॉइन है जो आज के टाइम में जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी खासी बढ़ गई है। बुक में से एक मैं सिर्फ जानकारी दूंगा और प्रैक्टिकल मार्केट वैल्यू मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है बुक्स में जो वैल्यूएशन होती है वो मार्केट वैल्यू से हमेशा मैच नहीं करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन्होंने 1947 से कवर किया हुआ है, तो 1947 का अगर कुछ आपको रेयर कॉइन रखना है तो वो है आधा आना वाला, जिसको 2 पैसा 1.2 आना भी कहा जाता है, ठीक है। कॉपर निकल का होता है 2.95 ग्राम, लगभग 3 ग्राम इसका वेट होता है। अब इसमें आप अगर इंफॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे इसकी डिटेलिंग दी हुई है कि किस टाइप से इसमें डैश डॉट डैश होता है, जिससे हमें समझ में आता है कि ये एक मुंबई मिंट का कॉइन है। और वैल्यूएशन इन्होंने बुक में जो दी है, देखिए रेयरिटी है रेयर, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 500 दिया और UNC में 2500 दिया है, जबकि मैं समझता हूँ UNC में ये कम से कम 3.5 से 4 हज़ार इसकी प्राइजिंग है, अगर UNC में ये कॉइन आपको मिल जाता है 1.2, ठीक है। तो ये पहला हमने कॉइन देखा। अब दूसरे रेयर कॉइन के ऊपर हम बढ़ रहे हैं जिसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुकी है, पहले से रही है, वो एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है जो है 2 आना का, ये बुल वाला कॉइन 1955 का, ये 50, 54 और 55 में बने हैं, याद रखिए 50 और 54 की प्राइस अलग है, वो अभी वेरी स्कार श्रेणी में UNC कंडीशन में ज़रूर है, लेकिन जो एक्सट्रीमली रेयर है वो है 1955 का जो सिंगल मिंट कॉइन है और मुंबई मिंट से ही बना हुआ है, इसमें डुप्लीकेट्स भी आते हैं याद रखना, ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये वाला कॉइन इन्होंने बुक में प्राइस दी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की 10,000 और UNC में यहाँ पे कोई प्राइस इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आज की प्राइस UNC कंडीशन में लगभग 60,000 से 80,000 के बीच में चल रही है, डिपेंडिंग ऑन के वो UNC में भी किस ग्रेड का है, ठीक है। तो यानी कि ब्रिलियंट UNC होगा तो 80,000 70,000 में भी वो सेल हो सकता है। तो ये एक और कॉइन हमने देखा जिसकी वैल्यूएशन आज के टाइम में 10,000 से शुरू होकर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50,000 के ऊपर जाती है UNC कंडीशन में। ये हो गए हमारे 2 कॉइन मुंबई मिंट के, ये हमने 2 कॉइन देखे। तीसरा कॉइन है 1/4 का 4 आना,
ठीक है। इन्होंने भले ही यहाँ पे रैरिटी में स्कार श्रेणी में दिया है, लेकिन ये एक रेयर कॉइन है, ख़ास करके यूएनसी कंडीशन में ये दुर्लभ सिक्का है, मिलेगा नहीं आसानी से। रिसेंटली मैंने यूएनसी कंडीशन का, बेस्ट कंडीशन का 2000 में ही सेल किया है, जबकि उसकी प्राइसिंग मार्केट वैल्यू 3000 तक यूएनसी ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में जा रही है। तो 1/4 जिसको हम 4 आना भी बोलते थे, 1955 का मुंबई मिंट का ये भी एक रेयर कॉइन है। टोटल हमने 3 कॉइन देखे, अब चौथा कॉइन मुंबई मिंट का देख रहे हैं, वो है 1955 का 1/2, आधा रुपया, 8 आना इसको बोला जाता है। ये भी मुंबई मिंट से रेयर है, यूएनसी कंडीशन में ख़ास करके आप समझ लीजिए रेयर है ये। एक्स्ट्रा फाइंस में इसकी प्राइसिंग इन्होंने दी है 500 रुपये से, और यूएनसी में इन्होंने दी है 2500। तो अभी फ़िलहाल यूएनसी में 3500 से 4000 रुपया इसकी प्राइस चल रही है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी 1000 से 1500 रुपये के बीच में ये सेल आउट होता है, ठीक है। पांचवा देख रहे हैं हम, वो है 1954 का 1 रुपया, जो 1950 में भी बना था, फिर डायरेक्टली 1954 में बना, सिंगल मिंट कॉइन है और ये आज के टाइम में रेयर हो चुका है। इन्होंने यहाँ पे स्कार दिया है, 2023 की बुक है ये, ये रेयर हो चुका है और प्राइसिंग यूएनसी में इसकी 5000 के ऊपर जा चुकी है, ठीक है। एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन भी होगी तो ये 1500 से 2000 में ईजिली सेल हो रहा है, ठीक है। तो और आगे, ये एक नए पैसे वाले कॉइन है, रुपये का 1/4 भाग, छोटे छोटे कॉइन बहुत लोगों के पास ये होते हैं। इनमें जो रेयर है मुंबई मिंट से, यहाँ पे इन्होंने स्कार दिया हुआ है, वो ये वाला 1962 का कॉइन है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, दो टाइप के मेटल में ये बने थे, ब्रॉन्ज वाला एक प्लैंचेट यूज़ किया गया था, और नॉर्मली इसमें जो एक और यूज़ होता है वो है निकल ब्रास वाला, ठीक है। तो निकल ब्रास के इसमें ज़्यादा बने हैं, लेकिन जो ब्रॉन्ज वाले हैं वो काफ़ी कम बने हैं इस ईयर में, 1962 में। तो ये या बात का ध्यान रखना है, यानी डार्क वाले जो होंगे, जिसका चॉकलेट टाइप कलर होगा ना, वो टाइप के ये जो कॉइन है 1962 के। और वैसे ही बता दूँ, 1964 में हैदराबाद मिंट के भी ब्रॉन्ज मेटल के रेयर होते हैं, ठीक है। तो 1962 का ये भी स्कार से, समझ लीजिए वेरी स्कार से रेयर श्रेणी का ये कॉइन है, यूएनसी कंडीशन में अगर मिल जाता है। प्राइसिंग इन्होंने बुक में 2000 दी है, यूएनसी में लगभग 2500 से 3000 प्राइस की चल रही है, उससे ज़्यादा भी आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। तो और आगे बढ़ रहा हूँ, सिर्फ हम मुंबई मिंट की बुक देख रहे हैं, तो इसमें जो ईयर वगैरह है यहाँ पे, उसमें आप ये मत समझना कि सारे कंप्लीट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, सिर्फ मुंबई मिंट के कॉइन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो दो पैसे में अभी हम आ रहे हैं, 1969 का 2 पैसा, ठीक है, 1969 का 2 पैसा स्कार श्रेणी में इन्होंने दिया है, जबकि ये यूएनसी कंडीशन में रेयर है। प्राइसिंग इन्होंने दी है 1000 रुपये से 2500 रुपया, लगभग यही समझ लीजिए यूएनसी कंडीशन में 1969 का ये 2 पैसा एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का यूएनसी कंडीशन में अगर मिलता है तो 3000 से 3500 रुपया इसकी प्राइस चल रही है। एक्स्ट्रा फाइन में 1000-1500 के बीच में इसकी प्राइस है, ठीक है। ऐसे ही मुंबई मिंट में और कॉइन्स की अगर बात करें तो 1967 में, सॉरी 5 पैसा जो आप देख रहे हैं ये भी 1969 का है, और ये ईयर काफ़ी रेयर रहा है इन सारे सिक्कों में, चाहे वो 1 पैसा हो 2 पैसा हो 3 पैसा हो 5 पैसा हो, इनमें ये 1969 का ईयर काफ़ी रेयर रहा है, कम मिंटेज हुई है। तो मुंबई मिंट से ये आप देखिए 1969 का एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में बना हुआ ये सिक्का रेयर है, और आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में प्राइस इसकी 2500-2500 के बीच में चल रही है। स्टार्ट होती है प्राइस बुक में 500 से और 1000 रुपये तक जाती है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आप ये रेयर सिक्का ख़रीदोगे तो भी 1000-1200 आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए 1990 में भी जो 5 पैसा बना है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का ही, ये भी स्कार में दिया, इन्होंने 500 से 1000 रुपये प्राइसिंग इसकी दी है एक्स्ट्रा फाइन से यूएनसी में, लेकिन ये भी यूएनसी कंडीशन में 1990 का 1500 के ऊपर ही सेल हो रहा है, ठीक है। और ये भी एक रेयर सिक्का है अगर यूएनसी कंडीशन में आपको मिल जाता है तो, ठीक है। तो ऐसे मैं सारे मुंबई मिंट के आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं कि मुंबई मिंट से रेयर सिक्कों को अगर आपको तलाश करना है तो ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। इसके बाद मुंबई मिंट में अगर आपको देखना है तो 10 पैसे में ये छोटे वाले जो
स्टील के जो सिक्के आते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 2 ग्राम के सिक्के हुआ करते हैं। इसमें 1997 का ये सिक्का भले ही श्रेणी वाइज इन्होंने कॉमन ही दिया ये, लेकिन ये रेयर हो चुका है कहीं ना कहीं, यूएनसी कंडीशन में ये रेयर है। और प्राइसिंग की बात करें तो देखिए एक्स्ट्रा फाइन में भी 700 दिया इन्होंने और यूएनसी कंडीशन में 1500, लेकिन ये यूएनसी में अब 2500 के करीब बिक रहा है। एक्स्ट्रा फाइन में भी 1000 से 1200 के बीच में इसकी प्राइसिंग चल रही है। 10 पैसा ध्यान रखिए 1997 का होना चाहिए, 1997 का, 1997 का, ठीक है। अब इसके बाद 25 पैसे में देखिए, डायरेक्टली हम देख रहे हैं 25 पैसे में मुंबई मिंट से अगर देखना है तो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है 1980 का, ये टाइप का कॉइन होगा 1980 का होगा, मुंबई मिंट का सिंगल मिंट का कॉइन है ये, एक्सट्रीमली रेयर है। प्राइसिंग शुरू होती है 10,000 से और यूएनसी में इन्होंने दी है 45,000, 2023 की ये बुक थी इनकी, लेकिन अभी की मैं बात करूँ तो प्राइसिंग शुरू होगी 10 से 15,000 से और यूएनसी कंडीशन में प्राइस जाएगी इसकी कम से कम 60 से 70,000, कम से कम बता रहा हूँ। अगर एकदम ब्रिलियंट यूएनसी हो तो ये 80,000-90,000 भी आपको बिकता हुआ नज़र आ सकता है, सेल आउट होता हुआ इसकी प्राइसिंग आपको नज़र आ सकती है। तो 1980 का 25 पैसा मुंबई मिंट से एक्सट्रीमली रेयर है। इसके बाद जो काफ़ी फेमस है, सबको पता है ज़्यादातर न्यूमिस्मैटिस्ट को, जो लोगों को 4-6 महीना साल भर हो जाता है इस फील्ड में सही जानकारी लेते हुए, उनको इसके बारे में ज़रूर पता है, वो है 1957 और 59 की ये 50 पैसे की जोड़ी। लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में यूएनसी कंडीशन में अगर हो तो आपको इसका मिल सकता है, यूएनसी कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में भी ये एक कॉइन जैसे 57 वाला आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा फाइन में 15,000 दिया इन्होंने, तो हाँ ईजिली आपको 15-20,000 रुपये एक्स्ट्रा फाइन में इसका मिल सकता है, और 59 वाले का भी 15-20,000 रुपया ईजिली आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। ज़्यादा फ़र्क नहीं है प्राइसिंग में, जोड़ी अगर होगी आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में तो ये आपको 40-50,000 रुपया ईजिली दिला सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि बायर्स को कितनी नीड है और आपके कॉइन्स की कंडीशन क्या है और आपको कितनी नीड है, ठीक है। हो सकता है आप उसको 60,000 में बेचोगे जोड़ी को, जो सामने वाला अगर चाहे तो खरीद ले, जिसको नहीं ख़रीदना हो वो हो सकता है आपको उतना प्राइस ना बोले, 30-40,000 उसका ऑफ़र लगाए। तो ये सब डिपेंड करता है, ये कोई बुक की प्राइस या हमारी भी बताई हुई प्राइस फिक्स नहीं होती है। अगर कोई दावा करे वीडियो में बता के कि इसकी इतनी प्राइस चल रही है तो वो मेरे हिसाब से परफेक्ट बात नहीं है, ठीक है। ये बायर और सेलर के बीच की डील की बात होती है, एक अंदाज़ा हम दे सकते हैं कि इस कॉइन की प्राइसिंग कहाँ तक चल रही है, और ये बात सही होती है कि बुक की प्राइस से काफ़ी ज़्यादा प्राइस मार्केट की होती है अक्सर एक्सट्रीमली रेयर और रेयर कॉइन्स की। इसके बाद जो आपको देखना है वो है 1978 का 50 पैसा, जो रिसेंटली मैंने अपने वीडियो में दिखाया भी था, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का वो कॉइन था, और इसकी यूएनसी में अब जो मार्केट है कहीं ना कहीं देखिए रेडप्पा जी की बुक में अगर देखोगे ना आप तो उन्होंने शायद 7,000 रुपये प्राइस दी है 2023 की बुक में, यहाँ पे इन्होंने 3,000 दिया। अभी इनका एक अपना एनालिसिस है, उनका एक अपना एनालिसिस है, लेकिन जो मार्केट प्राइस मैं बता रहा हूँ वो यूएनसी कंडीशन में 10,000 से कम नहीं है इस कॉइन का, और ये कॉइन 2 साल में मुझे लगता है एक्सट्रीमली रेयर श्रेणी में जाएगा। अब रेयरिटी के मामले में इन्होंने स्कार दिया है, लेकिन ये एक रेयर कॉइन है, ठीक है मेरे हिसाब से। तो 50 पैसे में अगर है आपके पास 1978 का तो कम से कम एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको उसके 2,000-2,500 या 4,000 तक भी ईजिली मिल सकते हैं, और यूएनसी में हो तो 10,000 भी ईजिली आपको उसका मिल सकता है, ठीक है। फिर फ्लोरल डिज़ाइन के जो कॉइन्स आए थे इसमें 1984 में अगर मुंबई मिंट में देखना है, सॉरी 1986 में मुंबई मिंट में देखना है इसमें, ठीक है, 1986 में, जो कि एक रेयर कॉइन है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसकी भी 4-5 हज़ार से शुरू होती है प्राइस और 12 से 15 हज़ार के बीच में यूएनसी कंडीशन में जाती है। 1986 सिंगल मिंट कॉइन है, एक ही मिंट से बना था, ठीक है, ये भी बहुत जल्द एक्सट्रीमली रेयर श्रेणी में चला जाएगा। इसके अलावा अगर देखना है तो 1993 में FSS में ये मैप वाला कॉइन मुंबई मिंट का रेयर होता है, हैदराबाद का भी रेयर होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये बुक में मुंबई मिंट की बात चल रही है। तो 1993 में मुंबई मिंट का अगर ये मिले यूएनसी कंडीशन में 2,500 से 3,000 प्राइस है, नॉर्मली इसकी प्राइस 800 हज़ार रुपये से शुरू होती है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। इसके बाद हमें डायरेक्टली 1 रुपीज़ में 1970 में आना है, 1970 का सिंगल मिंट कॉइन है, इसमें भी डुप्लीकेट बहुत आते हैं, आपको ध्यान रखना है ओरिजिनल होना चाहिए। प्राइसिंग इन्होंने दी है 5,000 से 13,000, जो कि 2023 के मिड में यही प्राइस चल रही थी या 2023 के शुरुआत में यही प्राइस चल रही थी लगभग, ठीक है।
अब लेकिन इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो UNC में ये 20,000 के ऊपर प्राइस इसकी चल रही है, लगभग 20 से 22-23 हज़ार रुपये में ये UNC जेम UNC कंडीशन का अगर 1 रुपीज़ का कॉइन हो तो सेल आउट हो रहा है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी 8 से 10 हज़ार रुपये इसके ईजिली आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी रेयर, वेरी रेयर इन्होंने दिया है। देखो यहाँ पे अगर रेयरिटी की बात करें तो ये भी एक्सट्रीमली रेयर घोषित हो जाएगा बहुत जल्द। और एक्सट्रीमली रेयर की अगर बात चल रही है तो 1982 में मुंबई मिंट से बना हुआ ये 1 रुपया आपको लगभग 10,000 से 70-80 हज़ार रुपये भी दिला सकता है अगर UNC टॉप कंडीशन का ये कॉइन आपको मिल जाता है। याद रखिए 1982 का होगा, सिंगल मिंट कॉइन है और ओरिजिनल होना चाहिए। इसकी टेक्निकल डिटेल यहाँ पे दी हुई है, इस पर मैं बात नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने बुक में दिया हुआ है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10,000, जबकि एक्स्ट्रा फाइन में भी आपको 20 से 25 हज़ार रुपये ईजिली आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत लोगों के काम आएगी क्योंकि मैं एक साथ 1 मिनट के सारे रेयर कॉइन्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऐसी वीडियो आप लोगों को बहुत कम देखने मिलेगी। ज़्यादातर लोग एक एक कॉइन्स को लेकर के वीडियो बनाते हैं ताकि उनका मेन टारगेट होता है यूट्यूब से अर्निंग करना, तो हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। मेरा चैनल मोनेटाइज ना था, ना है, ना शायद इन फ्यूचर होगा, ठीक है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अपने काम से, लोग जो मेरे साथ जुड़ते हैं उनके साथ वर्क करके अर्निंग करने पे, ना कि एड्स के थ्रू कमाने पे, ठीक है। ठीक है, वो भी एक सोर्स है, कोई गलत चीज़ नहीं है सबके लिए, लेकिन मेरा एक अपना तरीका है, ठीक है। तो आप 2004 का देखिए, ये एक कॉइन जो आज से 2 साल 3 साल पहले ये स्कार श्रेणी में ही था, अब ये रेयर हो चुका है। और मैंने इसके ऊपर एग्जांपल भी दिया था कि 2020 में ये कॉइन लगभग समझ लीजिए 100-200-300 रुपए की प्राइस में सेल आउट हुआ करते थे, 2004 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आज के टाइम में UNC कंडीशन में ये कॉइन 3,000 तक भी सेल हो रहा है। अभी इन्होंने जो बुक में दिया है 2023 के, वो एक्स्ट्रा फाइन में 1200 और UNC में 2500 इन्होंने दिया हुआ है, जबकि 2023 में यही प्राइस लगभग इसका चला था, ठीक है। ब्रिलियंट UNC कंडीशन होगा तो 3,000-3200 में भी ये आपको सेल होता हुआ नज़र आएगा। 2004 का 1 रुपया क्रॉस वाला, ठीक है, क्रॉस वाला ध्यान रखना, ये वाला होना चाहिए क्रॉस वाला, क्योंकि 2004 में ये सीरीज़ ख़त्म हुई थी। तो 2004 में ये सिक्के भी हैं, 1 रुपया सुन के ये मत समझना कि हर 1 रुपया रेयर है, सिर्फ और सिर्फ 2004 का क्रॉस वाला रेयर होता है। इसके अलावा डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो 10 रुपये पे हम आ रहे हैं यहाँ पे 10 रुपीज़ पर, और 2005 का ये 10 रुपया मुंबई मिंट से एक्सट्रीमली रेयर है। इसके मिंटेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, अगर 2005 का, वैसे देखिए नोएडा मिंट का तो रेयर है जो बिकता है 2,500-3,000 रुपये में UNC कंडीशन में 2005 का, लेकिन मुंबई मिंट के बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि इस मिंट से भी कुछ सिक्के ढले थे। और इसकी प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, ना इसके एक्स्ट्रा फाइन में प्राइस दी हुई है, ना UNC में प्राइस दी है, लेकिन एक अंदाज़ा है कम से कम 1 लाख रुपये आपको ये दिला सकता है। 2005 का मुंबई मिंट का सिक्का होना चाहिए। मुंबई मिंट की निशानी है ईयर के नीचे डायमंड बना हुआ होता है, ठीक है। इसका ये मिंट मार्क आपको अगर नज़र आ जाता है तो 10 रुपये का ये क्रॉस कॉइन आपको अलग रखना है। ये आपको नॉर्मल कंडीशन में भी शायद 20-30 हज़ार रुपये दिला दे, UNC में 1 लाख रुपया ये ईज़िली आपको दिला सकता है, ठीक है। ये एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है 10 रुपीज़ का। इसके बाद हम स्मारक सिक्कों पे आ रहे हैं, तो अभी मैं जो दिखाऊंगा आपको सारे स्मारक सिक्के दिखाऊंगा यहाँ से, और इसमें भी आपको मुंबई मिंट के सारे कॉइन्स आपको, चलिए एक्चुअली वीडियो हो जाएगी बड़ी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्मारक सिक्कों को कवर करेंगे। 18 मिनट से ज़्यादा इस सेक्शन को ही कंप्लीट करने में हमें लग गया है, तो उम्मीद है वैसे काफ़ी सारे सिक्कों की नॉलेज आपको इस एक वीडियो में मिल गई होगी। तो अब आपके लिए मैं कुछ लॉट्स वगैरह जो मेरे पास आए हुए हैं वो आपको दिखा रहा हूँ, जो आगे चल के 4-5 साल में काफ़ी अच्छी प्राइसिंग आपको दिला सकते हैं। 1 रुपये का लॉट है, इसमें मिक्स मिंट है, 95 कॉइन है टोटल, 1992 से लेके 1996 तक के ये सारे कॉइन है, मिक्स मिंट है। अभी जैसे ये देख रहे हैं आप 1996 हैदराबाद मिंट आपको नज़र आ रहा होगा, 1993 कलकत्ता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, मतलब अलग अलग इसमें कॉइन आपको नज़र आएंगे 1992 से 1996 तक। ये मिक्स लॉट है, एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का, और ये 95 कॉइन्स की प्राइसिंग होने जा रही है 9,000 रुपया। अब आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे धीरे धीरे बढ़ेगी मार्केट में, ठीक है, 1992 से 96 तक के जो कॉइन है, और फिर 2004 वगैरह का भी कॉइन जो है वो भी कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी का है सभी मिंट से,
तो अच्छी कंडीशन हो, अगर एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की, तो इन्हें कलेक्ट करके रख सकते हैं आप। आने वाले टाइम में इनका डिमांड 3 से 5 साल में काफ़ी हाई जा सकता है। ऐसे ही एक 300 कॉइन का लॉट है, तमिल कॉन्फ्रेंस वाले कॉइन, ये सिंगल मिंट कॉइन है। 35,000 रुपीज़ में ये लॉट आपको मिल सकता है। 300 सिक्कों का ये कॉइन है। एक्स्ट्रा फाइन से, वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के इसमें कॉइन्स है। UNC कंडीशन में इस कॉइन की प्राइस 1,000 रुपये क्रॉस कर चुकी है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये कॉइन्स 250-300 रुपये में इजीली सेल होता है। इस हिसाब से जो ये आपको ये मिल रहा है, लगभग एक कॉइन 115-16 रुपये से मिलने जा रहा है। 300 कॉइन का ये लॉट है, 35,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। 35,000 रुपीज़ तमिल कॉन्फ्रेंस 2 रुपीज़। जिस किसी को बुक कराना है बुक करा लीजिए, और आने वाले 5 साल के बाद आप देखेंगे, 3 से 5 साल में आप इसका भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा कुछ पाउचेस है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी आपको कम प्राइस में ही दे रहा हूँ। भेल वाला ये 5 रुपीज़ का पाउच, ये देख सकते हैं भेल का कॉइन। BUNC कंडीशन के अंदर कॉइन होंगे। सील्ड पैक पाउच है, नोएडा मिंट का, 4,000 रुपये में सिर्फ आपको ये मिलने जा रहा है। ये 2 पाउच अवेलेबल है मेरे पास, जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। 5 रुपीज़ का ये रानी वाला कॉइन आप देख सकते हैं, ये भी सील्ड पैक पाउच में ही आया हुआ है, और आपको कम से कम प्राइस में देने जा रहा हूँ। हैदराबाद मिंट का सिंगल मिंट का कॉइन है ये, 3,900 रुपीज़ में आपको ये मिल सकता है, और ये भी मेरे पास 2 पाउच अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बेगम अख्तर का ये कॉइन कलकत्ता मिंट से आया हुआ है, और ये भी समझ लीजिए पाउच मार्केट में 4,500 में सेल आउट हो रहा है। मैंने खुद भी आपको शायद 4,000 तक इससे पहले दिया था, तो किसी को सेल करना था, उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो कम पैसों में ये आया हुआ है, तो मैं कम में ही आपको दे रहा हूँ। 3,750 रुपीज़ में आपको ये मिलने जा रहा है। स्कार श्रेणी के ये सारे कॉइन है जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये पाउचेस, और इसमें भी जो मैंने आपको दिखाया है लॉट, ये भी स्टार है, और ये समझ लीजिए वेरी स्टार श्रेणी का कॉइन है। ख़ास करके ऑलमोस्ट UNC कंडीशन से, UNC कंडीशन में तो ये रेयर अभी समझ लीजिए हो गया है, ठीक है। तो जिस किसी को जो भी चीज़ इसमें से बुक करवानी है, इसके लिए मुझे आप 9699065064 वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो पब्लिक का नंबर होता है। उसके बाद जो मैं दूसरा नंबर देता हूँ, उसी पर आपको पेमेंट की डिटेलिंग बताता हूँ। जो भी पेमेंट फिर आप उस पर करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, साथ में आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड के साथ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको यहाँ से आपका पार्सल भिजवा देंगे, वाया कुरियर भी जाता है, वाया पोस्ट भी जाता है। तो चलिए, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने मुंबई मिंट के काफ़ी सारे कॉइन्स आपको कवर किए हैं, बताए हैं किस टाइप के कॉइन्स हैं और जो रेयर हो चुके हैं और उनकी क्या प्राइस चल रही है। अच्छा, मिंट की परसेंटेज को लेके कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि कुछ मिंटेज की परसेंटेज होती है, तो परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, एक्चुअली कैसा है, ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे ना, अब जैसे तमिल कॉन्फ्रेंस का ये सिक्का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये 2 रुपीज़ का सिक्का है। अब ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये परसेंटेज वगैरह यहाँ पर नज़र आती है। जैसे यहाँ पर सिंगल मिंट कॉइन है, तो मुंबई मिंट में टाइप सी और टाइप बी लिखा हुआ है इन्होंने, जिसमें टाइप सी के मिंटेज 86% दी हुई है। ऐसे ही देखिए, तमिल कॉन्फ्रेंस का अगर 5 रुपीज़ का कॉइन मैं क्लिक करूं, तो इसकी भी डिटेलिंग आपको नज़र आएगी। ये 2 मिंट से बने थे, एक है नोएडा मिंट और एक है मुंबई मिंट। तो नोएडा मिंट में 22% है और मुंबई मिंट में 85% ये बने हैं, ठीक है। तो इस पर आप परसेंटेज जो दिया हुआ है, जैसे 22% नोएडा मिंट, यानी कि ओवरऑल जितने भी कॉइन्स ढले थे उसमें से 22% कॉइन नोएडा मिंट से बने थे। ये इस टाइप से मतलब इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब इसमें जैसे 1 रुपीज़ में हम जाते हैं तमिल कॉन्फ्रेंस के ही कॉइन में, जो स्टील के बने थे और काफ़ी अलग अलग मिंट से बने थे, तो इसकी अगर डिटेलिंग की बात करें तो देखो, आपको सब नज़र आएगा कौन से मिंट से कितने बने और किस टाइप के कितने बने हैं। जैसे मान लीजिए 1995 में 16% जो बने हैं वो रेडिड एज वाले कलकत्ता मिंट के, और स्मूथ एज वाले सिर्फ 3% बने हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाइज अगर टोटल आप देखोगे, तो आपको मिंटेज का पहले इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मान लीजिए कोई कॉइन की मिंटेज है 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ मिंटेज है, यानी 1 करोड़ वो सिक्के अगर ढले हैं, तो वो सिक्कों को फिर परसेंट में हम डिवाइड करके समझ सकते हैं कि कितना परसेंट कौन सा सिक्का है, तो उसकी मिंटेज क्या हो सकती है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हैं 1 रुपया थम वाला, अब इसमें मिंटेज की जहाँ तक बात है, देखिए सबसे हाई मिंटेज है 2010 वाला,
ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से ये बने हैं 6 करोड़, 79 लाख और 70,000। तो इतने सिक्कों में अगर यहाँ पे अलग अलग हमें पता हो कि मुंबई मिंट से इतने हैं तो और कौन से मिंट से कितने, तो ओवरऑल फिर जब आपको पता चलता है कि सबकी मिंटेज क्या है तो उसमें से फिर परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये परसेंटेज या मिंटेज मेरे हिसाब से 100% सही हो हर सिक्कों के बारे में ये मुझे नहीं लगता है, ठीक है, इस पर एक अलग बहस है। और लेकिन हाँ, 95% तक ये सारी जानकारी सही होती है। तो आप परसेंटेज वाइज भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप मिंटेज देख करके भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो किसी का क्वेश्चन था, स्पेशली किसी ने कहा था मुझे कि सर ये परसेंटेज वाला ज़रा सा बताइए कि किस तरीके से हमें पता चले कि कॉइन्स कितने परसेंट बने हैं, तो वो परसेंट किस में से निकलता है। तो देखिए, ओवरऑल जो परसेंटेज, मतलब अभी समझ लीजिए मुंबई मिंट है, कलकत्ता मिंट है, हैदराबाद मिंट है, नोएडा मिंट है, चारों मिंट से अगर कोई कॉइन बना है तो चारों मिंट में वर्क कितना हुआ है वो परसेंटेज वहाँ पे दिया हुआ है। किसी में 10% है, किसी में 25% है, ओवरऑल मिला के 100% हो जाता है, ठीक है। तो अब मिंटेज लेकिन पता होनी चाहिए। अगर मिंटेज नहीं भी पता है तो परसेंटेज से आप एटलीस्ट इतना पता कर सकते हो कि कौन से कॉइन किस मिंट से कम परसेंट में छपे हैं, ठीक है। तो बस इतना एक बेसिक आपको आइडिया वहाँ से ले सकते हैं आप। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए, बाय।